सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर स्कर्ट टॉप बनाएंगे 3 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। सभी फैब्रिक हमने हाफ हाफ मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। स्कर्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंचेस, कमर बेल्ट को माइनस करके, और इसकी चौड़ाई ली है 21.5 इंचेस। इस तरह के दो लेयर हैं हमारे पास। अब इस पीस को हम सिंगल इस तरह बिछाएंगे और यहाँ पे हम बॉक्स प्लीट बनाएंगे दोनों लेयर में। तो इस तरह मैंने बॉक्स प्लीट बना ली है। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर इसे रखेंगे, उल्टा रखना है और वन साइड इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों पीस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच नीचे इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ तक दोनों तरफ हमें इसी तरह फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे कमर बेल्ट के लिए स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 21 इंचेस। इस स्ट्रिप के दोनों तरफ की बॉर्डर को टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को राइट साइड से ऊपर की बॉर्डर पे रख के सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप का दूसरा बॉर्डर है, इसे रॉन्ग साइड टर्न करना है और इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने कमर बेल्ट अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम इलास्टिक अटैच कर सकते हैं या फिर नाड़ी, दोनों बॉर्डर को मिलाना है और हाफ इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने स्कर्ट रेडी कर लिया है। अब हम टॉप की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। टॉप के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 12 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को टू फोल्ड करके इसकी नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस। यहाँ से नेक का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे, इसे ओपन करेंगे और नेक के सेंटर से लेके आर्म होल तक इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पीस कट कर लिया है। अब इसी नाप का लाइनिंग फैब्रिक हम कट कर लेंगे। दोनों
पार्ट को हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। और नेक पे और आर्म होल पे हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल पे हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। इसके नेक पे और आर्म होल पे भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमने नेक और आर्म होल पे सिलाई लगा दी है, अब हल्की हल्की नोचिस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह हमने राइट साइड टर्न कर लिया है, ये दोनों लेयर ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट के वन साइड के बॉर्डर पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। अब इस तरफ हम 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप अटैच करेंगे। ऊपर के बॉर्डर को फोल्ड करना है और इस तरह स्ट्रिप को 2 फोल्ड करके राइट साइड से अटैच करेंगे। अटैच हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को इस तरह टर्न करना है और ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने हुक और बटन स्ट्रिप अटैच कर ली है। इस तरह आएगा वन साइड। आप हुक की जगह जिप भी अटैच कर सकते हैं। अब दोनों लेयर को हम मिलाएंगे। फ्रंट पार्ट के राइट साइड पे एक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे और वन साइड 1 इंच का मध्य रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद नीचे के बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने स्टोव को रेडी कर लिया है। इसे राइट साइड टर्न करेंगे। यहाँ पे इस तरह आयु आएगी। अब वन साइड हमें यहाँ पे बो अटैच करना है। बो के लिए हमने इस तरह के 2 पीस लिए हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल पीस, जिसकी चौड़ाई है 8 इंचेस और इसकी लेंथ भी 8 इंचेस है। इसे 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे स्पेस रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इसी तरह ये पीस है, इसके इससे भी 2 फोल्ड करेंगे, सेंटर में स्पेस रखना है और यहाँ पे लीफ शेप देते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। इस पीस का बो बनाएंगे और इसे स्ट्रिप से हम इसे बांध देंगे। तो इस तरह का बो हमने रेडी कर लिया है। अब इसे वन साइड शोल्डर के नीचे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर टॉप स्कर्ट हमने रेडी कर लिया है 3 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।